हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। तो आज हम आपके लिए लेके आए कलर्स टीवी शो उधारियां को लेके कुछ न्यू अपडेट। तो आगे आपको देखने मिला कि फतेह अंगद की गाड़ी के सामने आ जाता है, तभी अंगद उसको देख के पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही वो बताने की कोशिश करता है, अंगद उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है, एक जगह लेके जाता है और दोनों जन के बीच में बहुत लड़ाई होती है। बाद में अंगद उसको मार के वहाँ से चला जाता है। आगे आपको देखने मिला कि ये सब देख के फतेह एकदम शॉक हो जाता है और बाद में शर्मा के पास जाता है अंगद के बारे में पता करने के लिए। जहाँ शर्मा बताता है अंगद के बारे में और बोलता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, बस उसके ज़िंदगी में सब लोग उसको छोड़ के चले गए। और एक रिया है जो उसकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जहाँ आपको देखने मिला कि ये सब सुन के फतेह वहाँ से जाता है। आगे आपको देखने मिला कि जैस्मिन अंगद और तेजो का पीछा करती रहेगी और उसके गाड़ी में कुछ रखने की कोशिश करेगी, तभी फतेह वहाँ उसका हाथ पकड़ लेगा। और आपको देखने मिला कि उसी समय रिया की नानी का फ़ोन आएगा, जहाँ आपको देखने मिला कि वो जैस्मिन से बोलती है कि अंगद और तेजो तो नहीं आएंगे ना, मैं रिया को लेके जा सकती हूँ। जहाँ आपको देखने मिला कि फतेह फटाक से बोलता है कि इसकी बातों में मत आना, ये पागल है, साइको, और फ़ोन कट कर देता है। और बाद में लेके जाता है जैस्मिन को एक जगह और बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, जहाँ जैस्मिन बोलते हैं कि मुझे बदला लेना है तेजो से और मुझे बर्बाद करना है उसको, और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास देखो कितना पैसा है। जहाँ आपको देखने मिला कि फतेह बोलता है मुझे पता है तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, और मैं तो शर्म आती है मुझे कि मैंने तुमसे प्यार किया। जहाँ आपको देखने मिला कि बाद में फतेह प्लान बनाएगा जैस्मिन को कैसे रोकना है। और आगे आपको देखने मिला कि अंगद को फ़ोन करके बताएगा कि रिया को कोई ले जाने आया, और वो सब सुन के अंगद और तेजो फटाक से घर की तरफ जाएंगे। तो आज के लिए इतना, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।